हेलो स्टूडेंट, आई एम सूरज फ्रॉम वाराणसी। बोर्ड एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए मैंने समय के अनुसार आपके कोर्स प्रारंभ कर दिया है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जो वीडियो आपको दूं उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। हेलो स्टूडेंट, तो चलिए आज के स्टूडियो में आपको कक्षा 12 ठीक है द्वितीय प्रश्न पत्र का जो है अध्याय नंबर 3 का इसमें हमने एल्डिहाइड पढ़ा दिया है और इसमें कीटोन पढ़ाने वाले हैं। तो कीटोन में हमको क्या पढ़ना है, एसीटोन पढ़ना है। तो एसीटोन का क्या है, भाग नंबर 1 है ठीक। तो हम इसमें एसीटोन को पढ़ेंगे ठीक। चलिए तो अब हम एसीटोन को शुरू करते हैं। तो चलिए एसीटोन को शुरू करने से पहले हमें समझते हैं कि एसीटोन का अणु सूत्र क्या होता है, अणु भार क्या होता है, उसको बारी बारी से हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए तो अब हम उसको देखते हैं कि तो देखिए पहले है अणु सूत्र। तो एसीटोन का अणु सूत्र क्या होता है वो समझते हैं पहले। CH3CO CH3 ठीक, CH3CO CH3। तो ये एसीटोन का क्या होता है, अणु सूत्र होता है ठीक। चलिए तो अब हम बात करते हैं अब अणुभार। तो अणुभार को अणुभार क्या होता है इसका, चलिए हम इसको निकाल कर दिखाते हैं आपको अणुभार कैसे निकलता है। जैसे हम सबका निकाले वैसे इसका भी निकाल के दिखाएंगे। चलिए तो देखिए सी कार्बन का कितना होता है, 12 होता है ठीक। प्लस एच का कितना होता है, 1 होता है इंटू 3 ठीक, 3 मात्रा 3 हो जाएगा। प्लस अब कार्बन कितना होता है, 12 होता है ठीक। फिर कितना होता है ओ का, 16 होता है। फिर प्लस फिर 12 हो जाएगा ठीक, कार्बन का 12 हो जाएगा। फिर प्लस एच का कितना होता है, 1 होता है इंटू 3। इतना समझ आ रहा है आपको। चलिए तो अब हम आगे इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए 3 एक कम 3 हो जाएगा, 12 3 15 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, प्लस 12 ठीक, प्लस 16 हो गया। फिर प्लस 3 एक कम 3 12 3 15 इतना हो गया। अब क्या करेंगे हम, इस सारे वैल्यू को ऐड कर देंगे ठीक। तो ऐड करने के बाद आपका क्या आएगा, 58। तो ये इसका हो जाएगा अणु भार, आप इसको ऐड करके देख सकते हैं ठीक। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं इसका संरचना सूत्र क्या होता है ठीक, किसका, एसीटोन का संरचना सूत्र क्या होता है उसको हम समझते हैं ठीक। चलिए तो देखिए इसका संरचना सूत्र क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। CH3 ठीक, C हो गया डबल बॉन्ड O CH3 CH3 CO CH3। क्लियर, इतना दिखाई दे रहा है आपको, CH3 CO CH3। तो ये हो गया एसीटोन का संरचना सूत्र, समझ में आ गया आपको। चलिए तो अब हम इसके आगे बात करते हैं बनाने की विधि, एसीटोन को बनाया कैसे जाता है ठीक। तो बनाने की विधि में पहले हम पढ़ेंगे प्रयोगशाला विधि, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रयोगशाला विधि, इसको समझिए। तो देखिए प्रयोगशाला में कैसे बनता है पहले ठीक। तो देखिए जब कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन कराया जाता है तो एसीटोन और कैल्शियम कार्बोनेट बनता है ठीक। तो ये इसका क्या है, प्रयोगशाला विधि है। तो चलिए अब हम इसको कैसे समझते हैं, रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं तो और भी बेटर आपको समझ में आएगा। चलिए तो देखिए रिएक्शन क्या हो जाएगा, जब कैल्शियम एसीटेट, तो पहले कैल्शियम एसीटेट का सूत्र क्या होता है ये समझते हैं, क्लियर है। चलिए देखिए कैल्शियम एसीटेट का सूत्र होता क्या है, पहले यहाँ देख लीजिए,
कैल्शियम एसिटेट का सूत्र होता है CH3COO इंटू या टू हो जाएगा और CA, ये होता है कैल्शियम एसिटेट का सूत्र। ठीक, तो हम आपको इसके संरचना के हिसाब से आपको रिएक्शन बताएंगे तो आपको बिल्कुल मजाक सा लगेगा। ठीक है, चलिए तो अब आगे देखिए क्या हो जाएगा। तो हम रिएक्शन में ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि आपको मतलब ये जैसे हम बताते हैं सप्टिक आपको यहाँ से निकाल के वहां लगाने में तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक, तो चलिए हम इसको संरचना के हिसाब से खोलेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए क्या होता है इसका CH3। पहले ध्यान देखिए, ये CH3COO कितना है, दो ठो है, यहाँ दो लगा हुआ है तो दो ठो है। ठीक, चलिए तो CH3 हो गया, फिर COO, ध्यान से देखिएगा ये एक हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, एक हम नीचे भी तो लिख सकते हैं, दो ठो है तो एक यहाँ हो गया और एक नीचे लिख देंगे। समझ रहे हैं बात, समझ में आ रही है आपको? तो क्या हो जाएगा CH3COO, यहाँ दो ठो था तो यहाँ ऐसे लिख दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझ में आ रहा है? चलिए तो अब आगे देखिए, ये हो गया और ये हो गया। ठीक, अब इससे हम CA को ऐड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको समझ में आ रहा है? चलिए अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको क्या करेंगे, इसका शुष्क आसवन कराने पे, यहाँ लिखे हुए हैं शुष्क आसवन कराने पर, तो इसको लिखेंगे शुष्क आसवन। ठीक है, शुष्क आसवन कराएंगे तो क्या बनेगा आपका, एसीटोन बनेगा और कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखिए कैसे बनेगा ये हम आपको बनाकर दिखा देते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है? चलिए तो पहले देखिए निकल क्या रहा है, हम उसको निकालेंगे। ठीक, देखिए ध्यान दिखेगा, एक ओ यहां से निकालेंगे, ठीक, सी ए के साथ निकालेंगे, ध्यान दिखेगा ये इतना टोटल निकालेंगे, समझ रहे बात को, तुम क्या निकालेंगे, इतना हम निकाल देंगे, समझ में आ रहा बात? चलिए देखिए कैसे निकालते हैं, आपको निकाल कर दिखा देते हैं। तो देखिए CH3 जो बच रहा है पहले उसको लिखेंगे, मान लीजिए इतना कैद कर लिए तो इनको तो लिखेंगे बगल में, तो हमको बनाना है एसीटोन, तो एसीटोन पहले बना लेते हैं, ये CH3 पहले हम लिख लेते हैं, CH3 हो गया। अब ये जो CO बचा है, ये जो बॉक्स बनाए हैं इसके बाहर है जो, इसको लिखेंगे CH3CO, क्लियर। अब ये जो CH3 बचा है इसको भी हम इधर लिख लेंगे, तो हो गया CH3CO CH3, क्लियर है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एसीटोन, यही तो बनाना था हमको, एसीटोन, क्लियर है। चलिए अब देखिए बच क्या रहा है, अभी बताया गया यहाँ पे कि कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, तो चलिए देख लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनेगा। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, ये CA जो है हम इसको लिखेंगे प्लस, इन सबको एक साथ लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे ये समझिए पहले CA, ठीक, CA हो गया, फिर C लिखेंगे CA C। O कितना है, एक दो तीन, तीन तो है, तो CA CO 3 हो गया ये। अब इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसको लिख देते हैं कैल्शियम ठीक है, आ गया समझ में आपको। चलिए तो अब आपको प्रयोगशाला में कैसे बनता है ये समझ में आ गया, तो चलिए अब हम आगे इसके आपको क्या बताएंगे, प्रयोगशाला में इसके फिगर जो डायग्राम होता है उसमें कैसे बनता है उसको हम आपको फिगर भी समझा देते हैं ताकि आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो सके। ठीक,
देखिए बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है, जितना जबरदस्त चैप्टर उतना ही जबरदस्त हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो बस आप ध्यान से देखिएगा और आपको समझ में आएगा। ठीक, चलिए चलिए, तो देखिए ध्यान से, ये क्या है, प्रयोगशाला विधि का डायग्राम द्वारा कैसे बनाएंगे ये समझिए। तो ये फिगर आप देख रहे हैं, ठीक, फिगर ध्यान से देखिए, अगर आप बना सकते हैं तो इसको नोट कर रहे हैं तो इसको बना भी लीजिए, वैसे आप लोग के बुक में तो दिया होगा, अगर आपको सिंपल लगे तो आप इसको बना भी सकते हो। ठीक, तो चलिए अब हम इस फिगर को क्या करेंगे, बिल्कुल एक्सप्लेन करने वाले हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक, कोई डाउट नहीं है, चलिए तो अब क्या करेंगे हम, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पहले क्या लिए हैं, ये क्या है आपका, ये रिटार्ट है। ठीक, ये रिटार्ट है जो ये किसका बना होता है, या तो धातु का होता है या तो कांच का होता है। क्लियर, और देखो, और इसके नीचे क्या होता है, जाली लगी होती है। ठीक, किसकी होती है जाली, लोहे की जाली लगी होती है। ठीक, उसके नीचे क्या होता है, बर्नर। ठीक, बर्नर के ऊपर जाली लगी होती है और जाली पे क्या रखा होता है, रिटार्ट रखा होता है। इतना क्लियर है आपका, चलिए फिर उसके बाद क्या होगा, जब हम इसको बर्नर की सहायता और जो ये रिटार्ट है इसमें किसका, इसमें क्या है, कैल्शियम एसीटेट भरा हुआ है। समझ में आ रहा है, ये एक रिटार्ट हो गया। ठीक, उसके नीचे ये लोहे की जाली हो गई, लोहे की जाली के नीचे ठीक क्या है, बर्नर लगा हुआ है, तो और रिटार्ट में क्या है, कैल्शियम एसीटेट भरा हुआ है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, बर्नर की सहायता, जब बर्नर की सहायता से हम इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, किसको, रिटार्ट को, तो क्या होगा, जब इसे गर्म करेंगे तो इसका वाष्प कहाँ जाएगा, ऊपर जाके ये रिटार्ट में से कहाँ चला जाएगा, फिर इसमें से निकलते हुए ये क्या है, इसको समझते हैं, ये वाष्प संघनित्र होता है। ठीक, इसका काम क्या होता है, ठंडा करना। तो ये जो वाष्प गर्म होकर आएगी इसमें से, तो इसमें जाकर क्या होगा, इसे ठंडा करेगा। ठीक, तो देखिए ठंडा करने के बाद इसमें जो ये क्या है, ध्यान देखिए, ये क्या है, ये ग्राही है। ठीक, इसमें आपका जो है एकत्रित हो जाएगा, क्या, एसीटोन। ठीक, तो चलिए पहले हम समझते हैं, तो पहले कैसे बनता है, तो बनता क्या आपका, आपका अभी हमने प्रयोगशाला विधि में बताया कि बनता एसीटोन है, CH3CO CH3, ये बनता है, और क्या बनता है, CaCO3। तो ये जो CaCO3 है ये तो इसी में रह जाता है। ठीक, और जो ये होता है CH3CO CH3, मतलब एसीटोन जो होता है वह ठंडा होकर इस ग्राही में एकत्रित हो जाता है, और इसी प्रकार हम इसको प्राप्त कर लेते हैं प्रयोगशाला विधि द्वारा, इस प्रकार हम एसीटोन को बना सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया फिगर आपको, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुण। ठीक, किसके भौतिक गुण, जो अभी हमने पढ़ा एसीटोन, एसीटोन का भौतिक गुण क्या होता है, चलिए हम इसको समझ लेते हैं। पांच पॉइंट हमने सेलेक्ट किया है जो कि बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है। ठीक, चलिए तो समझिए, पहला क्या है, यह एक रंगहीन, मतलब इसका कोई रंग नहीं होता है। ठीक, और मधुर गंध वाला द्रव है, ये एक द्रव तो है लेकिन कैसा द्रव है, रंगहीन, ना तो इसका कोई कलर है। ठीक, और मधुर है, मधुर गंध वाला मतलब। ठीक, और चलिए आगे बढ़ते हैं, तो देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, इसका क्वथनांक, किसका, एसीटोन का, कितना होता है, 56 डिग्री सेंटीग्रेड है। समझ में आ रहा है, चलिए अब आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या है। तो तीसरा पॉइंट है, एसीटोन जल एल्कोहल व ईथर में विलेय है। ठीक, विलेय है कितने, जल में विलेय है, एल्कोहल में विलेय है और ईथर में विलेय। ठीक, ये तीन पॉइंट समझ में आ गए, चलिए तो अब बचा दो पॉइंट और है, चलिए दो पॉइंट हम आपको वो भी दिखा देते हैं कौन सा है, उसको भी समझ लीजिए। तो ये तीन पॉइंट आप इसको नोट करते हुए चलिए। ठीक, आपको समझ में आ रहा है तो भी नोट करिए, और नहीं समझ में आ रहा है तो भी नोट करिए। अगर आप नोट कर लेते हैं तो बाद में अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो चलिए बाकी के दो पॉइंट हम आपको बता देते हैं। और तो देखिए
चौथा पॉइंट क्या है? यह अत्यधिक वाष्पशील एवं ज्वलनशील द्रव होता है। कौन? जो एसीटोन है वह अत्यधिक वाष्पशील होता है और क्या होता है? ज्वलनशील द्रव होता है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए पांचवा क्या है? यह जल से हल्का होता है। कौन जल से हल्का होता है? एसीटोन। ठीक, अगर उसको जल में डालेंगे तो वो ऊपर ही तैरेगा, ठीक, क्योंकि जल से हल्का होता है। ठीक, इसका अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 0.819 होता है। ठीक, इसका इतना होता है अपेक्षित घनत्व। हो गया, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है? रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक, चलिए तो हम इसमें आपको केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बता देते हैं। तो देखिए एसीटोन की, ध्यान समझिएगा, एसीटोन की हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया, मतलब कि एसीटोन जो है वो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। ठीक, तो ये यही कह रहा है। तो चलिए हाइड्रोक्सिल एमीन का पहले हम सूत्र बताते हैं आपको। पिछले हमने जितने भी वीडियो बनाया जिसमें हाइड्रोक्सिल एमीन आया है, हम उसका एकदम अच्छे से आपको नाम के साथ उसका सूत्र लिखते हुए समझा दिया है, आप समझे होंगे। चलिए अगर जिस बच्चे नहीं देखा है वो यहाँ पे समझ लीजिए। तो देखिए ये हाइड्रोक्सिल एमीन का क्या होता है? सूत्र होता है। ठीक, NH2OH, OH मतलब हाइड्रोक्सिल, NH2 मतलब एमीन। ठीक, हाइड्रोक्सिल एमीन। चलिए तो हम इसको समझते हैं पहले, उसके बाद हम आपको रिएक्शन बताते हैं। तो जब एसीटोन की क्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से कराई जाती है तो एसीटोन ऑक्सिम बनता है। आपको पता होगा कि जब भी हाइड्रोक्सिल एमीन से होता है तो ऑक्सिम बनता है। तो यहाँ हो रहा है एसीटोन से, तो एसीटोन ऑक्सिम बनेगा। अब फॉर्मलडिहाइड में होता था तो फॉर्मलडिहाइड ऑक्सिम बनता था, एस्टरडिहाइड में होता था तो एस्टरडिहाइड ऑक्सिम बनता था। तो मतलब कहने का ये है कि जो हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया करेगा वो ऑक्सिम बनाएगा। क्लियर है? चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, पहले एसीटोन का पहले हम क्या करेंगे, सूत्र लिख लेते हैं। ठीक, तो हो जाएगा CH3 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 C, यहाँ पे देखिए यहाँ पे O ऐड कर देते हैं हम, CH3 CO CH3। क्लियर है? यही होता है इसका संरचना सूत्र, किसका? एसीटोन का। ये हो गया, अब देखिए क्या होगा, ध्यान समझिएगा बिल्कुल। प्लस ये ध्यान समझिए, NH2OH होता है सूत्र, तो क्यों ना हम H2 को पहले आगे कर दे और N को पीछे कर दे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? नहीं। ठीक, जैसे हम बाकी में करते आए हैं वैसे यहाँ भी करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए ये NH2 होता तो H2 पहले लिख देते हैं, H2 हो गया और फिर N लिखते हैं। ठीक, समझ में आया? मतलब कि इसको हम आगे कर दिए और इसको पीछे कर दिए, तो H2N हो गया। प्लस नहीं होगा, ये जुड़ेगा, जुड़ा रहेगा OH से, बाकी OH तो आपका है ही, कितना हो गया। अब देखिए क्या होगा, ध्यान समझिएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका रिएक्शन कराएंगे। तो देखिए पहले यहां से H2 के साथ O निकल के बाहर हो जाएगा, इतना आपका कहां जाएगा, निकल जाएगा। ठीक, तो चलिए देखिए पहले बन क्या रहा है, इतना इतने तो कैद कर लिए हैं आप H2O को, तो इसको रोकते हैं। आप देखते हैं पहले बन क्या रहा है, उसको बना लेते हैं। तो CH3, ठीक, C, इधर भी CH3 लिख देते हैं, तो इतना तो आपको बन गया है। ठीक, अब देखिए बाकी बचा क्या आपका, आपका इतना बचा है या नो H, तो हम इसको यहाँ पे इसको ऐड करते हैं, या नो H हो गया। ठीक, अब देखिए इधर जगह नहीं है तो इधर हम लिख देते हैं, तो इसका नाम लिख दे पहले, इसका नाम क्या हो, चलिए पहले हम बता दे, प्लस। अब निकाल क्या रहे हैं, H2O निकाल रहे हैं, तो यहाँ H2O हम निकाल के दिखा देंगे। ठीक, समझ गए, तो यहाँ हम H2O निकाल दिए और ये जो बना हम इसको बनाकर दिखा दिए। तो इसका नाम क्या होता है आप देख लीजिए, ये हो गया जल। ठीक, अब ये क्या हो गया, इसका नाम क्या हो गया,
यहाँ बताया था ना एसीटोन ऑक्सीम बनता है, तो इतने का तो एसीटोन होता ही है, बाकी जो आगे बढ़ने जुड़ जाए तो ऑक्सीम हो जाएगा। ठीक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एसीटोन ऑक्सीम। क्लियर है। चलिए अब इसका भी नाम समझ लीजिए, इसका नाम क्या है, ये संरचना सूत्र है किसका, एसीटोन। ठीक है, समझ में आ गया। और इसका तो जानते हैं आप, हाइड्रोक्सिल एमीन अभी हमने ऊपर लिख के दिखाया था। चलिए तो ये रिएक्शन समझ में आ गया आपको, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला रिएक्शन क्या है उसको समझाते हैं आपको। तो ये रासायनिक गुण का दूसरा पॉइंट समझिए, दूसरा रिएक्शन क्या है, एसीटोन की ठीक आयोडीन तथा जलीय कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो ये देख रहे हैं, तो पहले आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक, तो हम इसको जब आपको निकालने लगेंगे एकदम, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कैसे बनाएंगे समझिएगा, पहले ये समझते हैं, जब एसीटोन का सूत्र आपको पता है, जब एसीटोन की क्रिया आयोडीन तथा जलीय कास्टिक सोडा के साथ कराई जाती है तो आयोडोफॉर्म तथा सोडियम एसीटेट बनता है। इतना क्लियर हो गया आपका, तो जो जो बनता है पहले उसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि आपको पता रहे क्या क्या बनना है, ये बनेगा और ये आयोडोफॉर्म बनेगा। ठीक, देखिए अब हम किससे बनाएंगे, तो पहले बात हो रही जब एसीटोन, तो पहले एसीटोन पहले आ गए तो क्या करेंगे, एसीटोन को पहले हम लिखेंगे। ठीक, तो चलिए तो देखिए एसीटोन का सूत्र क्या होता है, पहले वो समझते हैं, CH3CO CH3, ये होता है सूत्र किसका होता है, एसीटोन का। तो इसको लिखते चलिए अच्छा पहले हम बाद में लिख के बताएंगे आपको। ठीक है, तो देखिए इतना हो गया प्लस, अब क्या हो रहा है कि क्रिया आयोडीन से कराएंगे, आयोडीन तो आयोडीन को कितना लेंगे, I2 होता है आयोडीन का, तो इसका 3 मात्रा लेंगे हम इसमें। ठीक, अब देखिए अब आगे बढ़िए प्लस, और कह रहा है तथा जलीय कास्टिक सोडा, जलीय कास्टिक सोडा का मतलब 4 मात्रा किसका लेंगे, सोडियम सॉरी कास्टिक सोडा को किस क्या कहते हैं, NaOH को कहते हैं कास्टिक सोडा। ठीक, इतना समझ में आ गया आपको। चलिए अब देखिए क्या हो जाएगा, अब हम इसको इसकी क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, पहले ध्यान से देखिएगा, तो पहले यहां आपका सी हो गया इस, ध्यान पहले CH हो गया। ठीक, एच कितना है यहाँ, सी हो गया, अब एच कितना है यहाँ पे, 3 ठो है, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा आप। ठीक, यहाँ कितना है, 3 ठो है, तो हम यहां से एक को एच भी ले लेंगे, 2 ठो बच गया। ठीक, अब देखिए CH हो गया, अब यहाँ आई कितना है, 3 दुना 6 ठो आई है, तो यहां से 3 आई हम इसमें ऐड कर देंगे, I3। यहाँ कितना बचा, यहाँ 6 ठो था तो 3 ठो हो गया, तो 3 ठो बचा है, क्या समझ में आ रहा है, फिर समझिए, देखिए C ले लिए हम यहाँ पे। ठीक, यच कितना है, बाकी यच बचा कितना है, यहाँ पे 2 यच बचा है, ध्यान दीजिएगा, अभी हम इसको लास्ट में बैलेंस करेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, अब यहाँ आई 6 ठो था तो हम 3 ठो यहाँ कर लिए, 3 ठो बचा है, अब आगे बढ़ते हैं। प्लस कर देते हैं, इधर उधर जगह नहीं है इसलिए आपको यहां दिखा देते हैं। ठीक, तो फिर देखिए ये CH3CO, इतना समझिएगा, ये दिखाई दे रहा है आपको, तो इसको हम लिख लेते हैं CH3CO। क्लियर है इतना आपका, चलिए इतना लिख लिए, अब बाकी जो ये O कितना है यहाँ पे, 4 ठो यहाँ पे O, तो एक O को यहां से यहां कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए अब बचा क्या आपका, CH3CO हो गया, तो यहाँ पे Na जो है हम इसको भी लिख लेंगे, Na कितना है, 4 ठो है। ठीक, तो एक को यहाँ लिख लिए, समझ में आ रहा है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, इतना तो हो गया,
अब यानी कितना बचा है, तीन ठो बचा है यानी, चार ठो था तो एक को यहाँ बार कर लिए तो ये कितना बचा, तीन ठो बचा है, तो लिख लेते हैं 3 यानी। अब यानी पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब आई कितना बचा था, 3 × 2 = 6, 6 ठो था, तो 3 ठो हम पहले यहाँ कर चुके हैं, बचा 3 ठो। ठीक, तो अब हम यहाँ पे आई लिख देते हैं, तो इसके आगे 3 लग गया तो आई भी कंप्लीट हो गया 3 ठो, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ भी आई का भी कंप्लीट हो गया, आई भी 6 ठो निकल गया पूरा पूरा, 3 ठो यहाँ निकल गया, 3 ठो यहाँ निकल गया। ठीक, और 1 ठो यहाँ निकल गया सोडियम, 3 ठो यहाँ निकल गया, मतलब सोडियम और आयोडीन पूरी तरह से बैलेंस हो चुका है। ठीक, अब बचा क्या आपका, H2 में और O में लफड़ा है, तो चलिए वो लफड़ा भी हम क्लियर कर देते हैं। तो देखिए पहले H2 कितना बचा था, ठीक, तो यहाँ पे 2 ठो था और यहाँ पे 4 ठो है, 4 × 2 = 6, मतलब अब हमारे कहने का यह है कि जो H बचा है वो कितना है, 6 ठो है। अब देखिए O कितना बचा है, ठीक, तो O आपका बचा है यहाँ पे, यहाँ O कितना था, 4 ठो था, तो 1 को O हम यहाँ से निकाल कर यहाँ लगाए हुए थे, आपको पता होगा, बचा कितना है, 3 ठो बचा O है, तो मतलब 3 ठो O बचा है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे कि ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे, तो चलिए हम लिख के दिखा देते हैं, बिल्कुल सिंपल है। तो इधर देखिए रिएक्शन में देखिएगा, तो इसको हम 3H2O लिख सकते हैं, 3 × 6 मतलब कि हाइड्रोजन 6 ठो निकल गया इधर कंप्लीट, अब बचा 3 ठो O, तो 3 O भी कंप्लीट हो गया। देखिए कितना सिंपल लगा ना, इतने अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा। अब इसका हम नाम लिख देते हैं, ठीक, इसको समझाने के लिए आपको किए थे, चलिए तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम एसीटेट, पहले यहां बताए थे अंडरलाइन किए थे जो बनाना था, तो ये हो जाएगा सोडियम एसीटेट, क्लियर है, चलिए ये हो गया सोडियम एसीटेट, और ये क्या बना है, CH3, तो इसी को कहते हैं आयडो फॉर्म, क्लियर। तो ये हो गया आपका रिएक्शन, और ये तो पता होगा आपको एसीटोन है, एसीटोन, ये रिएक्शन आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, जिस बच्चे को समझ नहीं आया वो एक बार फिर से इसको देखेगा तो उसको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए तो अब हम अगले रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं, तो आपको ये रिएक्शन समझ में आया अच्छे से। चलिए अब वीडियो ज्यादा लंबा ना हो सके इसलिए एक पार्ट एसीटोन का और आने वाला है, ठीक है, उसमें हम पूरी तरह से इसको खत्म कर देंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको जरूर बताएं, ताकि हम एसीटोन के आगे आने वाली वीडियो बहुत जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड हम करा सकें। ठीक, चलिए तो आपको टाइम तो पता है कि 8 बजे से 9 बजे के बीच में चलता है, तो आप अपने टाइम पे आइए, ठीक है, अपने टाइम पे आएंगे और इसको अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा क्लास चलाया जाता है स्टडी नॉलेज पे, तो जो बच्चे नए हैं वो भी अच्छे से समझें और वो भी अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर सके। ठीक, चलिए तो अब चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।